ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप सभी लोग जानते हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर कैंडिडेट के लिए ये वीडियो है। आईटीआई फर्स्ट ईयर में ही ये सब्जेक्ट होता है, सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट नहीं होगा। आईटीआई फर्स्ट ईयर में सभी ट्रेड में ये कॉमन होता है, आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका एक सब्जेक्ट होगा। अभी तक हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लगभग 9-10 जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए थे, जो पीछे आए थे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में एनसीवीटी के, उनके पैटर्न के हिसाब से अपलोड किए थे। और पिछले कुछ दिनों से हम चैप्टर वाइज वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं कि हर चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जो पैटर्न रहा है उसका हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इतना भी हम एश्योर करते हैं कि अगर आप इसको पूरे सेट को आप वीडियोस को देख लेते हैं एग्जाम से पहले और अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और ये सिर्फ एक ब्लफ नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक है तो वो कहाँ जाएगा हटके। सिर्फ ये हो सकता है कि जो हमने क्वेश्चन बताया वो आंसर हो सकता है और आंसर क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा बहुत बदल जाएगा लेकिन टॉपिक्स यही रहते हैं। सिलेबस आपके सामने है, वीडियो है, पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ये चैप्टर्स हैं जो आपके इस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हैं, जिसमें से हमने शुरू के 5 चैप्टर करवा दिए हैं। सॉरी, एक चैप्टर अभी एक्सेल का नहीं करवाया हमने, इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया है क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वगैरह है वो थोड़ा लैंग्वेज सही नहीं है, इसलिए उसको हम बाद में कराएंगे। और ये सब बाकी 5 चैप्टर हो गए हैं। आज इंग्लिश लिटरेसी है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा कम्युनिकेशन स्किल का होगा। तो आज हम जो है 6वें चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर का नाम है इंग्लिश लिटरेसी, ठीक है। तो इसमें आते हैं, इसमें हम क्वेश्चंस वगैरह जो हैं पहले पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चंस के आगे ये भी मेंशन किया गया है कि किस एग्जाम में वो पूछे गए हैं। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, 30 सेकेंड और आपका मैं खराब करूंगा, ठीक है। मैं सभी उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो हमारे व्यूवर्स तो हैं, हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन पूरी तरह से जानते नहीं हैं कि क्या क्या यहाँ मिलेगा। आप ग्लोबल आईटीआई टाइप कर लीजिए अपने यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब पर, और यहाँ पर आपको देखिए आरंग ग्लोबल आईटीआई के नाम से ये चैनल मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिससे आपको आसानी होगी, आप अपने सुविधा के हिसाब से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट आप क्लिक करेंगे, आपको जिस सब्जेक्ट की, जैसे अभी मैं एम्प्लॉयबिलिटी का वीडियो दे रहा हूँ, तो एम्प्लॉयबिलिटी का पार्ट आपके हो सकता है आज पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो और भी पार्ट्स कहाँ मिलेंगे, तो आप प्लेलिस्ट में आने के बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की प्लेलिस्ट है यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के देख रहे होंगे कि चाहे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से काफ़ी 9 पार्ट्स बने हुए हैं एम्प्लॉयबिलिटी के, साथ ही नीचे चैप्टर वाइज 2, 3, 5 ये चैप्टर्स भी हैं। तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप जिस फिटर थ्योरी देखना चाह रहे हैं या इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो वो सभी आप देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड में जो बेल आइकन होता है इसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अगली वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही आईटीआई की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम टाइमली देते रहते हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड आ गया है उसमें बहुत मिस्टेक्स हैं, उसके अलावा एडमिशन जो आईटीआई के हो रहे हैं वो फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो है उसके लिए। तो अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए, उसके बाद आपको किसी और चैनल पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी लगभग सारी ज़रूरतें यहाँ पूरी हो जाएंगी। शुरू का 1 मिनट मैंने लगभग कुछ लोगों का खराब किया, उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ब्लेंड शब्द का समानार्थी मतलब सिनोनिम्स की बात कर रहा है कि एक और ऐसा कौन सा इसमें से वर्ड है जिसका ब्लेंड की जो मीनिंग है वही उसका भी है। तो ब्लेंड मीन्स होता है मिक्सअप, ठीक है, मिक्सिंग करना ब्लेंड होता है। तो इसमें से आंसर देख लीजिए, आपका ए सही होगा। ब्लेंड मतलब भी मिक्स होता है और मिक्स मतलब भी मिक्स करना ही होता है, मिलाना, ठीक है। तो आंसर आपका ए सही होगा, पहले गए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, सभी क्वेश्चन के आगे मेंशन है वो कब पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है ही फॉर योर यू एट स्टेशन, ये कह रहा है कि वह आपके लिए स्टेशन पर, तो कोई भी आपके लिए स्टेशन पर क्या कर सकता है, ठीक है। तो वो आपका वेट कर चुका है, हैज मतलब हो गया कर चुका है, तो कर चुका का मतलब यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है। और आर वेटिंग है तो आर ये सिंगल है, ठीक है, अगर प्लूरल होता जैसे बहुवचन होता तब आर यूज होता ना, यहाँ पे ही इज वेटिंग होता तो ये सेट नहीं होगा। हैड वेट मतलब कि आपका स्टेशन पर इंतजार कर चुका है, इसका मतलब ही नहीं बन रहा सेंटेंस का। ये सेंटेंस आपका लास्ट सही होगा, विल वेट मतलब वो आपका स्टेशन पे प्रतीक्षा करेगा, मतलब आप जब जाएंगे तो भविष्य की बात कर रहा, तो ये आपका सेट यहाँ पर सही होगा, आंसर डी इसका, इसका सही सेट होगा। एक चीज है कि ये जो आपके सीबीएसई बोर्ड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी इजी हो जाता है ये इंग्लिश का चैप्टर, बट यूपी बोर्ड वालों में थोड़ा सा हाथ तंग होती है इंग्लिश में, फिर भी जो लोग हाई स्कूल ग्रामर पढ़े होंगे उनके लिए काफ़ी बेहतर होता है। पूछ रहा है साइकोलॉजी वर्ड में एक साइलेंट वर्ड है,
अक्सर हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हम बोलते तो हैं लेकिन एक अक्षर का कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे साइकोलॉजी हम बोल रहे हैं, साइकोलॉजी यहीं से खत्म हो जाएगा, ये पी का कोई मतलब नहीं है इसमें ना, तो पी एक साइलेंट अक्षर है, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कई शब्दों को आप जरूर देख लीजिएगा, ये जरूर एग्जाम में पूछता है, हमेशा रिपीट होता रहता है। साइकोलॉजी में पी साइलेंट होगा, ठीक है, क्योंकि पी हम नहीं बोल रहे ना, हम सिर्फ साइकोलॉजी बोल रहे हैं, तो पी आपका साइलेंट हो गया, आंसर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गणक संख्या नहीं है, मतलब कैलकुलेटिंग वर्ड नहीं है, मतलब ये होता है ना, जैसे 20 है, 20 को आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, 20 एक जैसा है, 56 है, 56, 9, लेकिन ये 18वीं ये कोई संख्या नहीं है ना, ये दर्शाता है 18वीं, 19वीं, 20वीं, 22वीं, 26वीं, मतलब एक सूचनात्मक टाइप का हो जाता है, तो इसलिए इनमें अलग भी है सबसे। फिलहाल इसका आंसर भी डी होगा, ठीक है। इस तरह के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, ये 2018 में पूछा है, आगे भी देखिएगा क्वेश्चन इस टाइप का रिपीट होगा। उसके बाद द यंग जेंटलमैन इंगेज्ड, ठीक है, विथ मैंने अपने आप ही बोल दिया, जब कभी भी आप इंगेजमेंट होती है किसी की, या कोई किसी के साथ इंगेज्ड है, मीटिंग में इंगेज्ड है, या रियल लाइफ में शादी में या किसी चीज में इंगेज्ड है, तो इंगेज्ड के बाद विद ही यूज किया जाता है, विद, ठीक है, इंगेज्ड विद, ठीक है, तो यहाँ पर ये सुटेबल होगा, किसी के अंदर इंगेज नहीं होगा, एट नहीं, उसके ऊपर तो होगा नहीं या उसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश ग्रामर पूरी तरह से इसमें मोस्टली है, व्हेन विल यू सी द मूवी, आप मूवी कब देखें, ठीक है, व्हेन विल मतलब देखोगे, बात कर रहा है ना, फ्यूचर की बात कर रहा है कि मूवी कब देखोगे, ठीक है, तो अब ऐसे में हमें देखना पड़ेगा विल, मतलब ध्यान देना पड़ेगा ना, ये फ्यूचर सेंटेंस की बात कर रहा है कि कब देखोगे, अभी आप देखे नहीं हो, कब देखोगे मतलब अभी तो मैं देखा नहीं हूं ना, तो बाद में देखूंगा, तो आने वाले बाद में, ठीक है, होता है ना, एक होता है कि कल और एक होता है कल, दोनों कल होते हैं लेकिन एक बीता हुआ कल होता है, एक आने वाला, तो आप देखिए यहां पर जो सेंटेंस होगा, कब देखोगे पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कहां देखोगे, ठीक है, तो कब का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर सेट होगा आपका एट 3:55 टुमारो, ठीक है, ये पूछ रहा ना आगे का, तो आने वाला कल होता है टुमारो, तो यहाँ पर आपका ए सेट हो जाएगा आंसर। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना होता है, नॉर्मल इंग्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर, जो है आपके हवाई जहाज हवा में उड़ रही है, ठीक है, तो अब इसके आगे ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ आपको यूज करना है, तो आप सभी जानते हैं कोई भी अक्षर अगर ए से शुरू होता है तो उसके आगे हम हमेशा क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, सीट्स का प्रयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर में किया जाता है, OHP कहते हैं, ठीक है, OHP प्रोजेक्टर होता है, जनरली आप लोगों ने मेरे हिसाब से जो प्रोजेक्टर देखे होंगे, बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्टर देखे होंगे, जिसे क्या किया जाता है कि कंप्यूटर से लगा दिया जाता है और उसके बाद उसको प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, मोबाइल से लगा के बड़ी बड़ी उसमें स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है, व्हाइट बोर्ड वगैरह पर। लेकिन एक प्रोजेक्टर ऐसा भी होता है जिसमें ये पहले यूज किया जाता है, एक सीट होती है, ठीक है, A4 साइज की सीट होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है, समझ लीजिए पॉलीथीन की पेज की तरह ही होता है, लेकिन पॉलीथीन की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके ऊपर हम कुछ हाथ से स्क्रीन कोई डायग्राम वगैरह बना देते हैं, आर पार दिखता है, उसको इस प्रोजेक्टर के ऊपर रख दिया जाता है और उसके ऊपर लाइट जलाई जाती है और लाइट को नीचे एक शीशा लगा होता है जो तिरछा रहता है, तो वो रोशनी प्रकाश को व्हाइट बोर्ड पे भेजता है। ये पुराने जमाने का प्रोजेक्टर है, अगर कोई CTI वगैरह किया हो तो उसे पूछिएगा, वो लोग देखे होंगे जो CTI कॉलेज वगैरह होते हैं वहाँ पर ऐसे प्रोजेक्टर अभी भी यूज किया जाता है कुछ जगहों पे। तो उसमें जो होता है एसीटेट फिल्म सीट उसको बोलते हैं, वो एक तरह की सीट होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है OHP में कौन सी सीट यूज की जाती है, तो एसीटेट फिल्म सीट यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है, तो ये जो संचारण की मतलब बात कर रहा है, कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, तो कम्युनिकेशन जो है क्या है आपकी, चलने वाली प्रक्रिया है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन टाइप कर दिया गया है, ये ब्लैंक रहेगा यहाँ पर जगह, ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स था, यहाँ पे प्रक्रिया हमें देना था, तो यहाँ पे ये डैश डैश होना चाहिए, टाइप करते समय आंसर यहाँ पर टाइप हो गया, ठीक है, तो आंसर इसका बी सही होगा। पूछा था संचार निरंतर चलने वाला क्या है, तो एक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा ड्रेस कोड संचार का एक उदाहरण है, ड्रेस कोड अगर हम कोई ड्रेस पहनते हैं तो कम्युनिकेशन के तौर पर उसको क्या बोला जाए, कम्युनिकेशन की भी हमने पहले भी वीडियोज में काफ़ी इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। कम्युनिकेशन क्या होता है, दो तीन टाइप के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है,
तो वर्बल मौखिक होता है, नॉन वर्बल और मौखिक होता है, ठीक। इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो अगर हम कपड़ा पहनते हैं तो भी काफ़ी लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, अगर हम शर्ट पैंट और इन कर लिए शूज़ वगैरह तो उससे होता है ये ऑफिस का हो गया, अगर हम जीन्स पैंट टी शर्ट पहन लिए तो ये कैजुअल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ड्रेस कोड जो होता है वो किस किस संचार के अंतर्गत आता है, तो वो जो होता है हमारा अमौखिक होता है, बोलता नहीं है लेकिन आदमी समझ जाता है, हमारे पहनावे से सामने वाला समझ जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मतलब अगर हम कॉलेज में जा रहे हैं या मीटिंग में जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं तो पहनावे से अंदाजा लग जाता है, तो हमारा पहनावा भी एक तरह से कम्युनिकेशन है, बट वो अमौखिक है क्योंकि वो कपड़े बोलते नहीं है ना, लेकिन बात क्लियर हो जाती है। तो इसका आंसर बी सही होगा, ये 2015 में पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए कब जाने की योजना बनानी चाहिए, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उसके लिए क्या करना, कब निकलना चाहिए आपको या कितने देर पहले पहुंच जाना चाहिए, ये चीज़ मेन क्वेश्चन का ही है। इंटरव्यू होना है अगर 10 बजे से तो आपको कब पहुँचना चाहिए, तो पहुँचने को आप 2-4 घंटा आगे पीछे पहुँच जाएंगे, कोई बोलने वाला तो है नहीं आपको, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है बुक के हिसाब से, किताब की बात करें तो उसमें होता है जो रूल होता है वो होता है कि इंटरव्यू से 30 मिनट पहले आप वहाँ पहुँच जाएँ। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सामर्थ्य तथा हिंसा के मानवीकरण की लिंग के रूप में किसकी मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो ये होता है कुछ वर्ड को होता है ना कि ये वर्ड क्या मेल रहेगा, ये वर्ड फीमेल रहेगा, किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो हिंसा और जो सामर्थ्य ये दो वर्ड हैं इनको पुरुष कैटेगरी में मेल कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आंसर ए इसका सही होगा, 2017 में पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो किस चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, ब्लैंक है जगह। तो प्रेजेंटेशन मतलब होता है बात, मीटिंग वगैरह में अगर अपनी बातें समझा रहे हैं तो वहाँ पर क्या जरूरी होता है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है प्रकाश, ठीक है। जब वहाँ पर लाइट रोशनी होगी तभी आप बातों को वहाँ पर समझा दिखा पाएंगे, बता पाएंगे, ठीक है। तो आंसर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलहाल देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ जरूरी है, अंधेरा जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रकाश, बिजली, वेंटिलेशन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है मुझे लग रहा है, जहाँ तक किसी टाइपिंग एरर भी हो सकता है कि इसमें से क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर अगर आप मीटिंग में देखें, अगर मीटिंग की बात कर रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए इसका ये होना चाहिए आंसर, तो ऐसे में होगा कि वहाँ पर अंधेरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वहाँ प्रकाश भी जरूरी है, बिजली भी जरूरी है, और हवादार वेंटिलेशन भी होना चाहिए, तो ये चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन जरूरी क्या नहीं है, अंधेरा, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चन में मिस्टेक्स हो सकती है, तो इसका आंसर जो है ए होगा कि प्रेजेंटेशन के समय क्या नहीं होना चाहिए। और अगर ये सिर्फ यही क्वेश्चन रहता है सामने जो आपके आगे, पर्याप्त मात्रा में किसकी व्यवस्था होनी चाहिए, तो पर्याप्त मात्रा में प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सीवी का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, बायोडाटा वगैरह, रिज्यूम वगैरह जैसे बोला जाता है, उसी तरह से सीवी भी होता है जिसमें हम अपनी एजुकेशन, अपनी डिटेल्स वगैरह मेंशन करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म देखिए सब एक जैसे मिलते हुए हैं, लेकिन ये जो वीटे होता है लास्ट वाला इसका सही होगा, करिकुलम वीटे, ठीक है। ये सीवी का फुल फॉर्म होता है, ये पूछता है अक्सर एग्जाम्स वगैरह में, कहीं कहीं पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गुड बाय कहने से संबंधित, अगर हम किसी को गुड बाय बोलते हैं तो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो गुड बाय बोलने का मतलब होता है कि सी यू वेरी सून, ये वर्ड उसके साथ परफेक्टली मैच करेगा। गुड बाय का ही मतलब होता है कि चलिए बाद में मिलते हैं, कई बार लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ लोग बाय बोल देते हैं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं चलिए फिर मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़्यादा परफेक्ट सेट होती है, तो आंसर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज्यूम शुड बी, अगर हम एक रिज्यूम बना रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। शॉर्ट प्रिसाइज मतलब कम लिखा हुआ हो, बहुत ज़्यादा उसमें कहानी ना लिखी हो, और साफ मतलब एकदम क्लियर लिखा गया हो, जो समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे, या ज़्यादा घुमा के ना लिखा गया हो, ठीक है। शॉर्ट एंड प्रिसाइज मतलब वही होता है। उसके बाद फैंसी या कलरफुल होना चाहिए। उसके बाद एब्रोविएशंस मतलब काफ़ी शॉर्ट में ऐसी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, हैविंग एक्रोनिम्स एंड एब्रोविएशन मतलब घुमा फिरा कर बातें लिखी गई हों, डायरेक्ट ना लिखी गई हों। लॉन्ग एंड डिटेल मतलब बहुत लंबा होना चाहिए, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सबसे ए आंसर ही आपका है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब एकदम शुद्ध, मतलब एक बार में बात समझ में आ जाए, काफ़ी छोटा लिखा हुआ होना चाहिए आपका रिज्यूम, नॉर्मल 1-2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर ये आपका सही होगा। नेक्स्ट है, दे गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो इसके साथ क्या सेट होगा, तो दे देखिए एक होता अगर आदमी तो इज लग जाता, आई होता तो एम लग जाता, ठीक है। और पुरानी बात तो है नहीं, वॉच का मतलब यहाँ सेट नहीं होता है, तो आर यूज होगा यहाँ पर, दे आर गुड फ्रेंड्स, तो आंसर सी सही होगा। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2015 में। उसके बाद है, इज द स्पीकर ऑफ द फंक्शन, ये बात कर रहा है किसी फंक्शन में जो बोलता है, जो वहाँ पर उस फंक्शन को आप गवर्न करते हैं। कई बार होता है ना किसी पार्टी वगैरह में एक आदमी ऐसा होता है जो सबको बुलाता है कि आप इनका नंबर आप आइए बोलिए वो बोलिए, तो ये बात कर रहा है। तो
इसको क्वेश्चन के रूप में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर सेट होगा आपका हु, ठीक है, हु वर्ड सेट होगा, हु इज द स्पीकर ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन का स्पीकर कौन था, तो आंसर डी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर की बात हो रही है, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर दो नंबर होते हैं, ठीक है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर वो होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, ठीक है, नॉर्मल काउंटिंग कर रहा हूँ, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो होता है कार्डिनल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं इसी को बोल दूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, तो ये आपका ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो सिंपल काउंटिंग की जाती है नॉर्मल वर्ड की, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका 3, ये नॉर्मल वर्ड है, आप इसका ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, ये 2015 में पूछा गया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इस बार ऑर्डिनल पूछ दे, पहले ऑर्डिनल पूछा था, ऑर्डिनल नंबर क्या होगा, आप जैसे ये 2016 में दोबारा ऐसे ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें से कौन सा कार्डिनल नंबर है, तो कार्डिनल नंबर देखिए 1, 5th, 8th, 2nd, मैंने बोला ना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 नॉर्मल काउंटिंग जो है कार्डिनल नंबर कहलाएगी, और 5th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11, 12 इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो क्या कहलाएंगी, आपकी ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर भी कार्डिनल बात कर रहा है, तो कार्डिनल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, तो कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनीज एंड इंडस्ट्रियल, ट्रेनीज उसका ब्लैंक है, टू एंड इंडस्ट्रियल विजिट यस्टरडे 2014 में पूछ रहा है, एस्टरडे की बात कर रहा है, मतलब बीते हुए कल की बात कर रहा है, कि जो बच्चे हैं वो इंडस्ट्रियल विजिट के लिए गए थे की बात आ गई ना, तो गए थे पर तो क्या हो जाएगा, वेंट यूज हो जाएगा, आप जानते हैं पास्ट में होता है वेंट, जाने की बात हुई कि वो गए थे, तो यहाँ पर वेंट यूज हो जाएगा, आंसर सी होगा, क्यों आप जानते हैं ना गो वेंट गॉन, तो पास्ट टेंस में गो का क्या हो जाता है, वेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विवेक इज देन विवेक, ठीक है, अभी 2015 में पूछा गया था, देन मतलब क्या, उसके उससे बड़ा होगा या तो उससे छोटा होगा। ठीक है, तो ऐसे में जब देन यूज किया जाता है तो नॉर्मल वर्ड टॉल नहीं यूज किया जाता है, देन के साथ हमेशा टॉलर, स्मॉलर, बिगर, ग्रेटर, ठीक है, आप जब भी देन के साथ वर्ड देखेंगे तो होता है ही इज बेटर, बेटर देन इज, उसके बाद होता है टॉलर होता है ना, लॉन्गर, स्मॉलर, तो ई आर वाले वर्ड यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका बी आंसर यूज किया जाएगा, बी, विवेक इज टॉलर देन विनोद। ठीक है, क्वेश्चन में वैसे मेरा नाम भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राम इज, ये भी 2014 में पूछा गया था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन था, राम इज क्या होगा, ये भी हो जाएगा, राम इज टॉलर देन, ठीक है, यहाँ पर यही यूज होगा वर्ड टॉलर देन, ई आर यूज हो जाएगा, जो भी वर्ड इसके साथ यूज होना है ई आर वाला यूज होगा देन के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट लेटर इन कॉलम, ये जो कॉलम वर्ड है शब्द है इसमें कौन सा साइलेंट है, अभी सबसे पहले मैंने शुरुआत में आपको एक साइकोलॉजी बोला था, साइकोलॉजी में पी साइलेंट था, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप का है, इसको ध्यान दीजिएगा। कॉलम अगर हम बोलते हैं कॉलम, कॉलम, एन की तो बात ही नहीं कर रहे ना, कॉलम, तो एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, तो आंसर डी इसका सही होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट लेटर इन नाइफ, नाइफ में हम ये तो पढ़ रहे हैं ना, या फिर नाइफ बोल रहे हैं कि के का नाम कहीं नहीं आता है, तो के क्या हो जाता है, हमारा साइलेंट वर्ड हो जाता है। तो इसमें जो है इस चैप्टर से मोस्टली इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी आपकी। और ग्लोबल आईटीआई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर और भी वीडियोज़ हैं उनको देखिए, और आप एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन कीजिए, साथ ही और भी लोगों से शेयर कीजिए, अगर आप आईटीआई से जुड़े हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में और भी लोग होंगे, तो धीरे धीरे उनसे बताएं कि एक ऐसा, हम लोगों का मोटिव भी ऐसा रहा है कि एक ऐसा चैनल बनाएं जहाँ पर सारी वीडियोज़ आपको इकट्ठी मिल जाए। जनरली आप लोग देखते हैं कहीं ड्राइंग मिलती है, कहीं वर्कशॉप मिलता है, तो काफ़ी डिस्टर्ब भी होता है, तो इसलिए हम लोगों का मोटिव यह है कि आने वाले दिनों में जब फर्स्ट ईयर लोग सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे, प्लस फर्स्ट ईयर में नए एडमिशन्स होंगे, तो हम लोग लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप हमसे जुड़ते रहते हैं, और अभी हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी कम है, हमारा टारगेट है अगर 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो हम और भी टीचर्स हायर करेंगे अदर ट्रेड के लिए भी, और ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। साथ ही आप टेलीग्राम ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर हमें ज्वाइन कीजिए, जिससे पीडीएफ वगैरह बार बार आपको मांगना नहीं पड़ेगा, और हम भी बहुत लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, उसके लिए सॉरी। चलिए, इस वीडियो में इतना बताना था, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।